चौधरी साहब 1967 में श्रीमती गांधी के नेतृत्व के विरुद्ध बगावत की पहल आपने की थी। आपकी पीढ़ी के अन्य अनेक कांग्रेसी नेताओं ने बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो 1967 में वे क्या कारण थे जिनकी वजह से आपने अनुभव किया कि अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने का समय आ गया है? बाद में तो नहीं छोड़े, 67 में 7 स्टेट्स में कांग्रेस में ने रिवोल्ट किया, तो हम सब ने साइमल्टेनियसली किया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड यूपी, इन सब जगह रिवोल्ट हुआ और अपोजिशन की गवर्नमेंट्स बनी हेडेड बाई एक्स कांग्रेसमैन। तो ये था, सब करप्शन हो रहा था, इनएफिशिएंसी हो रही थी जी। तो मूल कारण आप क्या मानते थे उसमें? दोनों, भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी, सरकारों की अक्षमता। खासतौर से आप नेहरू कांग्रेस के आधार स्तंभों में उतरे, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में रहे थे, तो और 1966 में श्रीमती गांधी ने कांग्रेस पार्टी का की सत्ता संभाली, तो नेहरू काल की कांग्रेस और इंदिरा जी की कांग्रेस में क्या फर्क आया था, खासतौर से कार्यनीति में? फर्क कोई ज्यादा नहीं आया, वो तो नेहरू जी के जमाने में धीरे धीरे कांग्रेस डिटोरेट कर ही रही थी, मासेस से कोई वास्ता नहीं। पहले सबने विचार बने वो लादना चाहते थे, मसलन कोऑपरेटिव फार्मिंग, नेहरू साहब चाहते थे कि कोऑपरेटिव फार्म्स बन जाएं गांव गांव, कोऑपरेटिव फार्म्स ही एक गांव का एक कोऑपरेटिव फार्म, चाहे किसी के पास जमीन है या नहीं, फार्मर है या नॉन फार्मर है, ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ द विलेज शैल कल्टीवेट द एंटायर लैंड ऑफ द विलेज जॉइंटली, नाउ नथिंग कुड बी टू पुट इट वेरी माइल्डली मोर अनइमेजिनेटिव देन दिस प्रपोजल और एक्शन ऑफिस। तो इससे ये साबित होता है कि गांव का उनको कुछ पता नहीं था। हमारा सबसे बड़ा बेन है हमारी पब्लिक लाइफ का ये रहा कि जिनके हाथ में पॉलिटिकल लाइफ पावर रही है वो गांव को नहीं जानते। और जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई, कलकत्ते, दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई, कलकत्ते, दिल्ली या आगरे में रहते थे, कुछ जगह को छोड़कर, कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़कर। लेकिन पावर, अल्टीमेट पावर जो है, नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे गांव के लोगों से, शहर के बड़े घरों में पैदा हुए लोग और कैपिटलिस्ट, और एजुकेशन दूसरे देशों में पाई, तो कोई रिश्ता यहाँ से रह ही नहीं गया इन लोगों का। तो इसलिए नोइंगली अनलोइंगली ये लोग देश की सर्विस कर नहीं पाए, वो देश डूबता जा रहा था, उधर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। फिर दूसरा ये वही कोऑपरेटिव फार्मिंग में आ गया कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट अपने आप को कहना और उसमें विश्वास करना सोशलिस्टिक थ्योरी में, ये एक तरीके से एक हॉलमार्क हो गया नेशनलिज्म का, पेट्रियटिज्म का, रेस्पेक्टेबिलिटी का वगैरह वगैरह। अब तो मुझे कल ही कोई बतला रहा था अपने यहाँ कि कम्युनिस्ट पार्टी अब इसके खिलाफ हो गई है, क्या नाम, कंप्यूटर वगैरह के, क्यों, वही एक अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और हमारा क्या, हमारा भी यही बराबर, हमारी जो फलोसफी हुई यही कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब खैर छोड़ता हूँ मैं अपने उसको नहीं बता रहा इस वक्त, लेकिन मतलब है कि इनके यहाँ करप्ट आदमी होते जा रहे थे। अब नेहरू अपनी बेटी को चाहते थे कि मेरी जगह भाई, हाँ, तो ये तो वीकनेस। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के यही क्या, और कास्ट से ऊपर नहीं उठ पाए, यानी हमारे लीडर को ये नहीं मालूम था कि मेन कॉज ऑफ हर अनडूइंग क्या है, कास्ट सिस्टम, खुद उसमें विश्वास करते थे, अमल करते थे, हजार कहानी हम उनको उनकी मालूम है। तो आपके बारे में, और करप्शन बढ़ता चला गया बराबर, सेठों से रुपया लेकर इलेक्शन लड़ते थे। खासतौर से यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी, आपके बारे में ऐसी धारणा रही है राजनीतिक प्रेक्षकों में, या आप पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जातिवाद के आप समर्थक हैं या एक किसी विशेष जाति को आप नेतृत्व देते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं वो जान बूझ कर मुझको बदनाम कर रहे हैं, दे आर ऑल लायर्स, दे डोंट नो व्हाट इज व्हाट। एक तो ये है कि जानते नहीं, इग्नोरेंस में कर रहे हैं, नहीं, कुछ की इग्नोरेंस हो सकती है लेकिन ज़्यादातर जान बूझ कर। जो हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं उससे गांव उठता है और गांव के साथ ही देश भी उठता है, और इनके जो स्वप्न हैं वो शहर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी बिरादरी वालों तक,
जान पहचान वाले लोगों तक, उन तक इनके स्वप्न जो हैं लिमिटेड हैं। मेरे और मेरे साथियों के और मेरी पार्टी का जो स्वप्न है वो सारे देश को उठाना, और पहले उनको उठाना है कि जो गिरे हुए हैं, वो हैं गांव के लोग। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनके पास कोई इलाज है? बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बड़ी फैक्ट्री, वो भी लगा दो पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उतने लॉसेस हो चुके। कोई दुनिया में कोई लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब देख रहे हैं लॉसेस हो रहे हैं तो फौरन वो प्राइवेट हैंड्स को उसको ट्रांसफर कर देते। ब्रिटेन का जितना मुझे मालूम है, जो वहाँ वो है क्या नाम कैपिटल, वो 15% कैपिटल नेशन की जो है वो इन्वेस्टेड है इसमें, इंडस्ट्रीज में, बड़ी पब्लिक सेक्टर की। हमारे यहाँ 50% लॉस पर लॉस और बर्दाश्त करते हैं। इनको कोई दर्द नहीं है, इनको उनकी तकलीफें नहीं मालूम है, मुझको मालूम है। अच्छा, मेरे खिलाफ कहें क्या? कहना है ज़रूर, कहना तो है। तय कर लिया कि भाई इनकी जो फिलॉसफी अगर कामयाब हो गई तो गांव वाले उठेंगे, गरीब उठेंगे, जो यहाँ स्लम्स में पड़े हैं, जो पेवमेंट्स पर सोते हैं। अब इससे जाहिर हो जाएगा कि मैंने इन्होंने 50 अरब तो कर्जा लिया IMF से सन 80 में, और 16 अरब खो दिया इस तमाशे में एशियन गेम्स। दुनिया में कोई गवर्नमेंट कर सकती थी? कोई कर सकती थी? बदकिस्मत है ये देश, किसी गवर्नमेंट में नहीं हो सकता था। इसलिए IMF ने कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, मना कर दिया आप कर्ज देने से। किसी को लज्जा आती? हम कहेंगे हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा। हमने कहा था कि इस रुपये को लगाइए आप, ट्यूबवेल लगा दीजिए 16 अरब में, 50,000 ट्यूबवेल बिहार में लग जाते। बिहार में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं एंड पुअरेस्ट कंट्री नहीं स्टेट, पुअरेस्ट स्टेट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और पंजाब में पब्लिक सेक्टर बहुत ही कम है, कोई एक दो फैक्ट्री हो तो रिचेस्ट स्टेट ऑफ योर कंट्री। एक साथ बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बड़ी फैक्ट्री लगाओ, ये देश नहीं उठेगा जब तक गरीब घरों के लड़कों में या गांव के रहने वाले लोगों के में जो पैदा हुए हैं उनके लड़कों के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी। दिस कंट्री विल नेवर नॉट प्रॉस्पर। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार और उसके नेता एक शहर उन्मुख नीतियां अपनाते रहे, बस विशेष बस, हाँ बस बड़ी फैक्ट्री लगाते रहे, स्पेशल कोई माने। हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में एक और परिवर्तन आया है, श्री राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी से आप क्या आशाएं रखते हैं? आई कंसीडर हिज सक्सेशन इज अ मिसफॉर्च्यून ऑफ द कंट्री, और डूबेगा देश। अब जिस तरह ये हैंडल कर रहा पंजाब प्रॉब्लम को उससे जाहिर है, और वही जिस तरह से देश को चलाना शुरू किया है, मसलन जिस तरह इलेक्शन कराए, सब वोटें सब फर्जी डाली गई एंड जिससे जीत हो जाए, एक एक लाख दो दो लाख के फर्जी वोटों के बैलेट पेपर उसके डिब्बे पहले से भरे हुए थे। इंदिरा ने हर तरह की बेईमानी इलेक्शन में करती थी, लेकिन ये फर्जी वोटें वो नहीं डाला पाए, ये इसमें डाला है। ये इसका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की पब्लिक लाइफ को। तो आप समझते हैं कि स्थिति और ख़राब हो रही है? और ज़्यादा ख़राब हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। आज कोई भी अखबार किसी भाषा का, देश के किसी स्टेट का उठा के पढ़ लो, पहले पेज पढ़ लो क्या खबर है उसके अंदर, मालूम होता है द कंट्री इज सिक गोइंग डाउन डे बाय डे। चौधरी साहब, विपक्षी दलों को लोकतंत्र की एक कमजोर कड़ी कहा जाता रहा है, एकता के अनेक प्रयास असफल भी रहे हैं, तो कोई विपक्षी दल अब तक कांग्रेस का विकल्प क्यों नहीं बन सका है? अब इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, सिवाय ये कि ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के नेता पैदा नहीं हुए भी, और क्या कहें। अब उसमें किसी के खिलाफ पर्सनल बात हम नहीं कहना चाहते। प्रेस उनके हाथ में है, झूठा प्रोपेगेंडा प्रेस दिन रात करता है। मसलन ये कि जनता पार्टी बनाई JP ने चौधरी चरण सिंह, देर कैन नॉट बी ग्रेट अल्लाह। खुद मैं अभी लिखने वाला हूँ इसी विषय पर, उन्होंने खुद ही माना है कि मैंने गलती की, मुझको चाहिए था जैसी इमरजेंसी लगी है सब पार्टियों को मिलाकर इलेक्शन लड़ता। यही मैं उनसे कह रहा था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, लीडर होइए इसके। द मैन वाज नॉट विलिंग। जयप्रकाश जी। और 12 फरवरी 1976 को एक वीकली निकलता था लंदन से, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट इनके पास जसलोक हॉस्पिटल में आया इंटरव्यू के लिए कि आपकी मूवमेंट कैसी चल रही है, आगे को आपका क्या विचार है, कहाँ तक चलाएंगे, कब तक चलाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, जब इमरजेंसी लागू हुई थी मुझे सब पार्टियों को मिलाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए था बजाय डायरेक्ट एक्शन शुरू करने के। और 23 दिसंबर 1974 को मैं और मेरे साथी, मैं बीजू पटनायक,
पीलू मोदी और राजनायक, ये चार ग्रुप थे जो इकट्ठे होकर हमने बीकेडी बनाई थी, बीएलडी बनाई थी। तो बीकेडी तो अकेली हमारी थी और 28 अगस्त 1974 को बना चुके थे हम इसको, कन्वर्ट कर चुके थे इनटू बीएलडी, भारतीय लोकदल। तो हमने कहा कि मूवमेंट जो आप चला रहे हैं क्या फायदा, मेजोरिटी इंदिरा के आज भी खिलाफ, आपके इससे चलो 65 के बजाय 75 खिलाफ हो गए, लेकिन 8 पार्टी में बट गए। तो इस वक्त रेलिवेंस इस बात की है कि जितनी अपोजिशन वोट्स हैं इनको एक फ्लैग के नीचे ला। हमने इनसे बात की, कांग्रेस हो से 3 दफे गए उनके पास, नहीं राजी हुए, जनसंघ राजी नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी राजी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमें पूरी हमदर्दी है, आपका थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं आपके यहाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप, मैं लीडर हूँ इसका, हम चारों ने बनाई है बीएलडी, आप लीडरशिप मेरी जगह लीजिए, आप चेयरमैन होइए, अगला इलेक्शन जब भी होगा आप जीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। बट दी मैन वुड नॉट एग्री। फिर मैंने ना उसको, फिर मैंने अगले रोज बयान दिया प्रेस में कि मैं इनके पास गए थे इसके लिए, ये राजी नहीं हुए, मैं इनसे अपील करता हूँ कि रात पब्लिकली भी। फिर गुजरात का इलेक्शन आ गया मई जून में, उस इलेक्शन में ये गए, वो ही सब मिलकर लड़े, यूनाइटेड फ्रंट ही है वो। तो इसमें उन्होंने उनका स्टेटमेंट वो रखा मेरे पास, देख लेना, छोटी सी फाइल है वो, तो अभी देख लेना, कि कैंडिडेट चुनने में बड़ी कठिनाई पेश आई, इंदिरा को हटाने के लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी। ये उनका बयान है मई या जून 1974। और फिर 12 फरवरी 1976 को, 75 का इलेक्शन, 74 के दिसंबर हमारी बात हुई और मई जून 1975 में, जून 12 को ही वो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ये हाई कोर्ट से भी उसी रोज हारी और वहाँ भी हारी इलेक्शन, तो शायद जून की कोई डेट है वो रखा मेरे पास कटी। और फिर 76 में इंटरव्यू में साहब कहा कि मेरी गलती थी, यर द प्रेस विल गो ऑन प्रोपगेटिंग इट इज जेपी हु फॉर्म द पार्टी एंड आई किल्ड इट। तो खासकर जनता पार्टी के विघटन के बारे में आप क्या कहें? अब ये लंबी कहानी है। विगत चुनावों में, खासतौर से राज्य विधानसभाओं के चुनावों में, आपके दल ने उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को कड़ी चुनौती दी है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं हो सका है। दक्षिण भारत में आपके संगठन, देखिए दक्षिण भारत में तो ये कुछ उसकी वजह ये है ना कि वो है मसलन डीएमके तेलुगु, उसमें तमिलनाडु, इनका तो वहाँ कुछ असर नहीं है, तो अपने आप उनके हाथ में। अच्छा ये हेगडे साहब जो हैं, इसको जरा सावट है, भारत में तो इनकी हार यूँ हुई है कि इनके हाथ में पावर नहीं थी, जो गवर्नमेंट इन पावर थी वो अपोजिशन की थी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक। पंजाब समस्या देश की आज सबसे बड़ी समस्या है, उसके कारण आप क्या मानते हैं? ये लंबी कहानी है, एक इंटरव्यू में नहीं बताई जा सकती। इंदिरा जी ने मुझको बुलाया था 27 अक्टूबर 1982 को पंजाब के सिलसिले में बात करने के लिए, तो मैंने उनसे कह दिया था मगर बहन जी आपकी क्रिएशन है, भिंडरान वाला जी और क्रिएशन है, वो जैल सिंह का आदमी है, आपने उसके साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी किया था पिछले इलेक्शन में, और जैल सिंह का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है चीफ मिनिस्टर, और मैं ज़्यादा इज्जत कहना नहीं चाहता, मैंने कहा तो ये आपका आदमी आप ये करा रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे साफ कह दिया था ये इन्होंने कराया इसलिए हिंदू को डराकर हिंदुओं के वोट लिया, और सिखों को अल्टीमेटली कुछ कंसेशन कंसीड करके उनके डिमांड्स को वोट लिया। सारा जो एम था लाइफ का उनका था वोट, इट मे कॉस्ट द कंट्री वॉट एवर इट मे, श्रीमती गांधी श्रीमती ओनली वन सिंगल एम ये था। अब वो लंबी कहानी है जिसे एक थोड़ी ही है, और मैंने आते इंटरव्यू भी दी थी उसमें 6-7 पॉइंट उठाए थे किस कंट्री डिसइंटीग्रेट हो, हिंदू और सिख में क्या फ़र्क है। अब मैंने इनसे कहा कि हमेशा जो हम, तो उन्होंने कहा आप तो उस तरीके की नहीं, इतनी उम्र आपकी नहीं हुई होगी, हमारे व्याख्यान यही होते थे तो अपने लीडर्स का जिक्र करते थे, तो महाराणा प्रताप का, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह ने खुद ही राम और कृष्ण की महिमा में गीत बनाया। तो सिख में हिंदू में कोई फर्क न था न है, शादियाँ अब तक हो रही, अब तक होती रही कम से कम, तो ये तो सब मैंने कहा आपने क्रिएट करा है, मैंने उनसे साफ कर दिया। तो इस समस्या का समाधान एक बड़े नेता, अब वो समाधान देखो समाधान इस भैया इस तरह से नहीं बताया जाता है इंटरव्यूज में, कोई समस्या दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसका समाधान है लेकिन वो इंटरव्यू का मजमून नहीं। चौधरी साहब एक और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कंप्यूटर क्रांति की बात करते हैं, मेरा सवाल यह है कि इसने कभी गांव में जाकर गरीबी देखी नहीं है, इस लड़के में क्या जानता है गरीबी,
कंप्यूटर की बात करता है, कंप्यूटर या मशीन वहाँ चाहिए जहाँ के मैन पावर कम है और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अमेरिका की नकल करना चाहते हैं, पॉपुलेशन उनकी 23 करोड़, ज़मीन उनके पास आपसे तिगनी, 12 लाख मुरब्बा मील तो आपके पास है, 36 लाख स्क्वायर माइल्स उनके पास है, लिहाजा तेल लोहा कोयला उतना ही उनके पास ज़्यादा है। तो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं, ज़रूर से भी ज़्यादा हैं, वहाँ आपको की जो वो होगी क्या नाम इकोनॉमी, वो बेशक मशीन बेस्ड, लेकिन जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज कंपेरेटिव टू पॉपुलेशन आर वेरी लो और आर वेरी स्मॉल, तो वहाँ होगी ज़्यादातर मैनुअल बेस्ड, मैनुअल वर्क से ज़्यादा। हाँ, ज़रूरी चीज़ है, बेशक बड़ी फैक्ट्री लगाइए यार, हम बड़ी फैक्ट्री को बिल्कुल ख़राब छोड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ हाथ से बन सकती है हाथ से बने, जो चीज़ मशीन से बन सकती है तो देखो छोटी से बन सकती नहीं बन सकती, जो बड़ी से ही बन सकती है देश के इंटरेस्ट का तकाजा हो बड़ी बन, ये हमारा स्टैंडर्ड। और फिर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर शुड बी गिवन द फर्स्ट प्लेस। आज आप अमेरिका की सारी फैक्ट्री लगा लीजिए हैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ते में, दे विल ग्राउंड डाउन टू ए हॉल्ट विद इन 3 मंथ्स, चलेंगे जब जब उनके प्रोडक्शन का परचेज होगा, कौन करेंगे मासेस, मासेस कहाँ रहते हैं गाँव में, करते क्या खेती, तो उनके पास परचेजिंग पावर जब तक नहीं आएगी तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए डिमांड नहीं होगा, बाहर नहीं बेच सकते आप। अब अमेरिका जो आज कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, मुश्किल से 10% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, 90% वहीं कंज्यूम होता है। तो बड़ी फैक्ट्री या ये जब भी चलेंगे अमेरिका की सारी लगा लो, जबकि परचेजिंग पावर मासेस के पास वो है नहीं, उधर आपका ध्यान नहीं, वो तो गंवारपने की बात है, भूखे मर रहे हैं लोग, सड़कों पर पड़े हैं, किसी को शर्म नहीं आती। यानी सन 31 में 33% पॉपुलेशन बॉम्बे की वाज लिविंग इन द स्लम्स, 83 में 12 साल बाद जो गवर्नमेंट की फिगर से वो ये हैं कि नाउ मोर देन 50% ऑफ बॉम्बे पॉपुलेशन लिव्स नॉट ओनली इन स्लम्स बट ऑन रोड पेमेंट्स टुडे। कैन दिस कांग्रेस वाला और मेंबर्स और लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी साइट ए सिंगल एग्जांपल इन द वर्ल्ड वेयर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ देयर बिग सिटीज मोर देन 1/3 लिव्स ऑन रोड पेमेंट्स। तो ये जो कंप्यूटर युग अब कथित या तथा कथित कंप्यूटर युग आ रहा है, कोई सवाल नहीं, इट विल नेवर कम, गांधीवाद की भूमिका क्या होगी, कुछ नहीं या भारत में गांधीवाद का भविष्य क्या होगा? गांधीवाद का भविष्य बड़ा ब्राइट है लेकिन बड़ी बर्बादी के बाद आएगा। अब मैंने सुना कम्युनिस्ट पार्टी का अभी रिजोल्यूशन हुआ कंप्यूटर के खिलाफ, अभी पास अभी आप दफ्तर चलेंगे तो मैं आपको अपने साथियों से दिलवा दूंगा, कभी बता देंगे, रेफरेंस मुझे दे रहे थे मैं कह दूँ, क्योंकि चौसा भाई तो हमारी बात मानने लगे, कम्युनिस्ट ही तो हमारे बड़े विरोधी थे इन बातों में, ये सब मानते थे कि सिंसियर हैं, गरीबों को चाहते हैं, गाँव को उठाना चाहते हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे सारी पार्टीज अंदर, इनसे पूछो अलग बात, किसी चीज़ को हमारी को अपोज नहीं कर पाते। और अब मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्होंने माना कंप्यूटर, और एक और चीज़ इसी तरह की मानी कि कंप्यूटर नहीं बढ़ना चाहिए देश में। तो आप समझते हैं कि भविष्य में गांधीवाद ग्रामोत्थान उसका रास्ता एक ही है जो हमारा, सारे लीडर्स अलग-अलग बजा के बात करो आप मानेंगे, पब्लिकली मानने में ज़रा शर्म आ रही है, कुछ दिनों के बाद पब्लिकली मानने लगेंगे, जैसा कि मुझे मालूम है कंप्यूटर आदि की बाबत कम्युनिस्ट पार्टी की।